गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अशोक कुमार फ्रॉम भावराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द टॉपिक फायर, फ्रेंड एंड फो। स्टूडेंट्स, दिस इज द टॉपिक फॉर द बुक हनीकॉम्ब एंड दिस टॉपिक इज फॉर क्लास 7। स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट 3, क्वेश्चन आंसरिंग एक्सप्लेनेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अर्ली मैन वॉज फ्राइटेंड ऑफ, तो ये अर्ली मैन जो आदि मानव होते थे वो किस चीज़ से डरते थे, तो आंसर होना चाहिए बेटा अर्ली मैन वॉज फ्राइटेंड ऑफ फायर। एंड द सेकेंड वन इज फायर इज एनर्जी, फायर इज हीट एंड लाइट, फायर इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें से सेकंड में से क्या होना चाहिए, फायर इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इन तीनों में ये ठीक है। सेकंड है क्वेश्चन बेटा आपका, फ्रॉम द बॉक्सेस गिवन बिलो चूज द वन विद द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दैट इज फायर, ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज, ऑक्सीजन कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इसमें जो आंसर 2 ठीक है बेटा, सबसे पहले आपका आंसर 2 में आपका सबसे पहले 4th आना चाहिए, ऑक्सीजन कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओके, एंड आफ्टर दैट सेकंड ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, आफ्टर दैट थर्ड दैट इज फायर, एंड आफ्टर दैट सॉरी थर्ड मींस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड, एंड फर्स्ट इज दैट इज फायर। तो ये बेटा आपका जो है ये 4th, आफ्टर दैट सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट, तो ये बेटा आंसर आपका 4th ठीक है। सो दिस इज़ रॉन्ग, ये आपका जो आंसर ये 4th है वो ठीक है आपका, ये आप 2 ना करके इसे आप क्या करेंगे 4th ठीक है इसका। ओके, वर्किंग विद द टेक्स्ट, क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्लैश पॉइंट ऑफ अ फ्यूल। ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में कराया था, वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई द फ्लैश पॉइंट ऑफ ए फ्यूल। तो आंसर है बेटा द पार्टिकुलर टेम्परेचर एट विच द फ्यूल बिगेन। जैसे मैंने आयरन वाला एग्जाम्पल बताया था कि वो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर जिस पर जो आयरन भी ये बिगेन टू बर्न इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट ऑफ ए फ्यूल। क्वेश्चन नंबर 2 है वॉट आर सम कॉमन यूजेज ऑफ फायर। द कॉमन यूजेज ऑफ फायर आर टू कुक फूड, वार्म आर होम्स इन विंटर, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैनी मोर। सेकेंड क्वेश्चन है इन व्हाट सेंस इज इट अ बैड मास्टर। तो मैंने ये कई बार आपको आंसर बताया, व्हेन इट इज आउट ऑफ कंट्रोल सो इट इज अ बैड मास्टर। एंड द थर्ड वन इज मैच आइटम्स इन द कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। तो फ्यूल का क्या होगा बेटा, फ्यूल क्या होते हैं, कोल होता है, वुड होता है, कुकिंग गैस होती है, ऑक्सीजन क्या है, एयर होती है यानी कि एयर में ऑक्सीजन पाई जाती है, हीट क्या होता है, लाइटेड मैच स्टिक, जब आप मैच स्टिक को लाइट करते हो तो वो एक हीट होती है, बर्निंग कोल तब वो हीट होती है, एंड स्मॉल्डरिंग पेपर जब आप पेपर को जलाते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द 3 मेन वेज इन विच ए फायर कैन बी कंट्रोल्ड और पुट आउट। वो 3 तरीके कौन कौन से हैं जिनके द्वारा आप फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फर्स्ट है द 3 मेन वेज, बाय टेकिंग फ्यूल अवे फ्रॉम फायर, आप फायर में से फ्यूल ही निकाल दीजिए। सपोज दैट आग जो लग रही है वो किसी वुड के कारण लग रही है, तो वो वुड को ही निकाल दो तो फायर ख़त्म हो गई। इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, जो उसमें फायर ही नहीं, फ्यूल नहीं होगा तो फायर नहीं होगी। बाय कटिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, आप जो है ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर दीजिए तो फायर। एंड बाय ब्रिंगिंग बैक द टेम्परेचर बिलो फ्लैश पॉइंट ऑफ द फ्यूल, जो फ्लैश पॉइंट का जो टेम्परेचर होता है उससे आप डाउन कर लीजिए तब भी आपकी फायर बुझ जाएगी यानी कि एक्सटिंग्यूज्ड हो जाएगी। सो यहाँ मैचिंग करनी है आपको बेटा फिर से, टू बर्न पेपर और ए पीस ऑफ वुड, तो ये क्या होगा इसका, इट ऑब्जर्व, तो टू बर्न पेपर और ए पीस ऑफ वुड वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर। टू बर्न पेपर, पेपर को जलाने के लिए या फिर एक लकड़ी के पीस को जलाने के लिए हमें उसे हीट करना पड़ेगा बिफोर इट कैचेस फायर, फायर किससे पहले वो कैच करे फायर को, तो उससे पहले हमें वो हीटिंग करनी पड़ती है। स्मॉल फायर कैन बी पुट आउट, स्मॉल फायर जो होती है वो बुझाई जा सकती है विद ए डैम्प ब्लैंक, एक
गीला सा ब्लैंकेट लेकर आप उसके ऊपर जब पुश कर उसके ऊपर जब उसे पुश करते हैं या उसे डालते हैं तो वहाँ पर क्या होगा बेटा, वो फायर जो है होगी वो पुट आउट हो जाएगी। व्हेन वाटर इज स्प्रेड ऑन द फायर, वाटर जो होती है वो स्प्रेड ऑन फायर कब आग में फैल जाती है, इट ऑब्जर्व द हीट फ्रॉम द बर्निंग मटेरियल एंड लोअर्स द टेम्परेचर, ये जो है टेम्परेचर को लो कर देता है। कार्बन डाई एक्सटिंग्विशर जो होता है वो किस लिए होता है, वो इलेक्ट्रिकल फायर को पुट आउट करने के लिए, पुट आउट का मतलब एक्सटिंग्यूज करने के लिए। स्पेस लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ फायर, जिससे कि रिड्यूस कम हो सके फायर का रिस्क। सो स्टूडेंट यू आर टू राइट दीज क्वेश्चन आंसर इन योर फेयर नोटबुक। ओके स्टूडेंट्स बाय।